नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आज का ये जो प्रश्न है, नौ शास्त्रीय कला एवं स्वच्छंदवादी चित्रकला के ऊपर है, और इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में, सारे प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसको आप पूरा देखिएगा। जो भी नए लोग इसको देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए पहला प्रश्न हल करते हैं। यूरोपीय चित्रकला में नौशास्त्रीयतावाद की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, डेविड। यूरोपीय चित्रकला में नौशास्त्रीयतावाद की प्रकृति को बढ़ावा देने वाले डेविड थे, और इनका पूरा नाम था जैक्स लुइस डेविड। जैक्स लुइस डेविड इनका पूरा नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर दो। डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु किस कलावाद के अंतर्गत आती है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, नौ शास्त्रीय वाद के अंतर्गत डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु आती है। अगला प्रश्न देखते हैं, नौ शास्त्रीयतावादी चित्रकार का नाम बताइए। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, डेविड। नौ शास्त्रीयतावादी चित्रकार कौन थे? डेविड थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, थियोडोर जोरिकाल्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, थियोडोर जोरिकाल्ट किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, रोमांसवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, नौ शास्त्रीयतावादी कलाकारों ने एक राजनीतिक काल के लिए योगदान दिया था, वह कौन सा काल था? तो इसका जो सही विकल्प होगा फ्रेंच क्रांति। नौ शास्त्रीयतावादी जो कलाकार थे वो फ्रेंच क्रांति के लिए पेंटिंग और प्रिंट मेटिंग के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कलाकारों में स्वच्छंदवाद से किसका संबंध है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, देलेक्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर आठ। स्वच्छंदवाद का वह कौन सा चित्रकार था जो चित्रण के लिए घरों में लाशें रखता था? तो इसका जो सही विकल्प होगा जोरिकाल्ट। जोरिकाल्ट का पूरा नाम था थियोडोर जोरिकाल्ट, और ये स्वच्छंदवाद अर्थात रोमांसवाद के चित्रकार थे, और चित्रण के लिए अपने घरों में लाशें को रखते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, मेडुसा का बेड़ा चित्र किसने चित्रित किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, थियोडोर जोरिकाल्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर दस। समुद्री जहाज की दुर्घटना पर बनी पेंटिंग मेडुसा का बेड़ा के कलाकार का नाम क्या था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, जोरिकाल्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने की थी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, टर्नल। सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग टर्नल की मानी जाती है, और टर्नल एक स्वच्छंदवादी ब्रिटिश भूदृश्य चित्रकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, चांदनी रात में समुद्री दृश्य कौन चित्रित किया है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, टर्नल। चांदनी रात में समुद्री दृश्य का चित्रांकन टर्नल ने किया है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, फ्रांसिस्को गोया किस आंदोलन का चित्रकार था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, रोमांटिक आंदोलन का। फ्रांसिस्को गोया रोमांटिक आंदोलन का चित्रकार था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। स्लीप ऑफ द रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, फ्रांसिस्को डी डोया। तो ये प्रश्न आपके यहाँ पर समाप्त होते हैं इस चैप्टर के। अगला चैप्टर जो है आपका
प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, योम उत्तर प्रभाववाद से होगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।